सो फ्रेंड कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। अभी तक मेंथॉल की मंडियों का रेट हम आपको शॉर्ट वीडियो में बताते थे, लेकिन अब जो है शॉर्ट वीडियो में आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक मिनट से कम हमारा वीडियो होता था जिसमें बहुत सी मंडियों का रेट हम आपको नहीं बता पाते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको शॉर्ट वीडियो अच्छा लगता था जैसे हम पहले बनाते थे तो हमें कमेंट में लिखिएगा, हम उसी तरह का वीडियो बनाएंगे। आज जब हमारा मेंथॉल MCX ओपन हुआ है दिन भर का, वो भी हम आपको रेट बताएंगे, और दिन भर की जो आज हमारी मंडियों का रेट रहा है उत्तर प्रदेश का, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारा MCX जब मॉर्निंग में ओपन हुआ है 922.50 रुपये का ओपन हुआ था, और जब शाम को ये बंद हुआ है तो 922.40 रुपये का बंद हुआ है। हाई की अगर बात कर लें तो आज दिन भर में MCX 924 रुपये का रहा है, और लो स्तर की अगर बात कर लें तो दिन भर में इसका प्राइस जो है 919.30 रुपये का आज गया है। अगर आप देखेंगे MCX पे आज कितनी लॉट बाई की गई हैं तो यहाँ पे 44 आपको दिखा रहा है, और सेल की अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग तो 48 दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 1280 रुपये दिखा रहा है, और जबकि आप चेंजिंग अगर आप देखेंगे तो 0.08 जो है आपको दिखा रहा है। लो सर्किट की बात कर ले तो 884.90 रुपये है, और जबकि हाई सर्किट की अगर बात करें तो 958.50 रुपये का आज बन रहा था। ना आज लो सर्किट जाता हुआ दिखा है और ना आज हाई सर्किट जाता हुआ दिखा है। वॉल्यूम की अगर बात कर ले तो 0.057 आज का रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की आज की खरीदाई क्या रही है। तो संभल जो है 980.85 रुपये के आसपास करता हुआ दिखा है। चंदौसी की अगर आप खरीदारी देखेंगे तो चंदौसी 970, 975, 980 रुपये के आसपास खरीदारी करता हुआ दिखा है। इसके बाद बात करते हैं रामपुर की, तो रामपुर जो है आज कुछ टाइट देखने को मिला है, 980, 85, 90 रुपये तक जो है रामपुर की खरीदारी देखी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं चंदौसी की, तो चंदौसी भी आज 970 और 75 रुपये की खरीदारी करता हुआ दिखा है। अब बात करते हैं अगर बरेली की, तो बरेली भी आज 960, 965, 970 रुपये की इस तरह की खरीदारी करता हुआ दिखा है। उत्तर प्रदेश में लमसम और छोटी बड़ी जो भी मंडियाँ हैं अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 960 से लगा के 975 रुपये के बीच में आज खरीद देखने को मिली है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसान की, जो उत्तर प्रदेश में आज क्या खरीदारी की गई है। तो आमतौर से ज्यादातर छोटे स्तर के खरीदार जो हैं 930, 35, 40 इस तरह से खरीदारी करते हुए दिखे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारी थोक की मंडियां हैं, बहुत सी ऐसी थोक की मंडियां हैं जो थोक और फुटकर दोनों वहां पर एक ही रेट चलाते हैं, तो वहां पर जो 970 रुपये का थोक खरीद रहा था वहां पर अगर किसान लेके गए हैं तो उनका भी 970 रुपये का ही खरीदा गया है। और जैसे सीतापुर की बात कर लेते हैं तो सीतापुर की जो थोक की मंडियां हैं वो थोक और फुटकर एक ही रेट चलाते हैं। आप एक क्विंटल अगर लेके जाएंगे फिर भी आपको वही रेट में बिकेगा, और अगर आप 1 किलो या 5 किलो भी लेके जाएंगे फिर भी आपको उसी रेट में बिकेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 930 से लगा के 970 रुपये तक आज किसान की खरीदारी की गई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं या आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में हमें लिख के जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखिएगा।